टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी. इन दिस पार्ट वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ आईयूबी. आईयूबी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, क्या मतलब होता है इसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्स. बताया गया कि जो क्लासिफिकेशन है इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया. ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, आइसोमेरेजेस और लाइगेजेस. बेटा ऑन द बेसिस ऑफ आईयूबी नेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज आर एज फॉलोस. नंबर 1 क्लास 1 ऑक्सीडोरिडक्टेज, नंबर 2 ट्रांसफेरेजेस, नंबर 3 हाइड्रोलेजेस, नंबर 4 लाइगेजेस, नंबर 5 आइसोमेरेजेस एंड नंबर 6 लाइगेजेस. इन द केस ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेजेस हियर ऑक्सीजन रिएक्शन बोथ टेक्स प्लेस. इस रिएक्शन में ऑक्सीजन भी होता है और क्या होता है, रिडक्शन भी होता है. जैसे मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है, यह रिड्यूस्ड हो गया. सबस्ट्रेट क्या हुआ? रिड्यूस्ड हो गया. और दूसरा सबस्ट्रेट यस डैश है जो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. तो जब इसमें रिएक्शन होगा जो यस डैश ऑक्सीडाइज हुआ था, वह जो यस रिड्यूस्ड हुआ था वह क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. और दूसरे यस डैश ऑक्सीडाइज था वह क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया. आप देख सकते हो इसमें यस जो सबस्ट्रेट है वो यहां रिड्यूस्ड है, तो यहां यस क्या है? ऑक्सीडाइज है. या यस डैश ऑक्सीडाइज है या क्या रिड्यूस है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रहे हैं. सो दिस वाज आवर कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेजेस. दूसरा है आपका ट्रांसफेरेजेस. दिस एंजाइम कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर. इसमें जो है क्या हो रहा है कि एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट को ट्रांसफर करके और नए ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है. मींस यस एक सबस्ट्रेट है जिसमें जी प्लस यस डैश एक अलग सबस्ट्रेट है, दोनों ही अलग, सॉरी यस और जी एक साथ है, यस डैश अलग है. जब रिएक्शन हो रहा है तो हो क्या रहा है, यस और यस एक पास आ जा रहे हैं और ये अलग. क्या देखिए यस प्लस यस डैश और जी. क्या देखिए यहां क्या हो रहा है, यस और जी एक साथ हैं, यस डैश अलग है. यहां क्या हो रहा है, यस डैश और जी माने कोई नाम है सबस्ट्रेट का. तो यहां क्या हो रहा है, यस डैश और जी, देखिए यस डैश और जी एक साथ हो गए, यस वर्क कर दिए. तो यस जो है इस जी को ट्रांसफर कर दे रहा है यस डैश के साथ और एक नया कंपाउंड बन जा रहा है. तो इसे हम बोलते हैं ऐसे एंजाइम जो किसी एक सबस्ट्रेट को दूसरे के साथ ट्रांसफर करे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेरेजेस. तीसरा आप बेटा पढ़ेंगे क्लासेस थर्ड में, क्लास थर्ड में हाइड्रोलिसिस. द एंजाइम यूटिलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू सिंपल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल विद द एडिशन ऑफ वाटर. बताया गया इसमें हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया कि वाटर के प्रेजेंस में अगर कोई एंजाइम किसी लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. ऐसे एंजाइम जो वाटर के प्रेजेंस में किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करे, दैट इज हाइड्रोलिसिस. अगला है आपका लाइगेजेस. ये क्या करता है, दिस एंजाइम कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप विद द यूज ऑफ वाटर. वाटर के साथ क्या करता, विदाउट द यूज ऑफ वाटर. इसके पहले हमने पढ़ा कि ये वाटर के प्रेजेंस में किसी कंपाउंड को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है, या बिना वाटर के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके और नए फॉर्म में करता है.
चेंज करता है। यहाँ देखिए कार्बन के साथ यहाँ कोई कंपाउंड है एक्स, यहाँ कार्बन जो कंपाउंड है वाई, और यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, कार्बन के साथ एक्स है, यहाँ ये वाई है, यहाँ देखिए एक्स वाई प्लस सी डबल बॉन्ड सी, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ क्या हो रहा है, एक्स यह जो है यह बॉन्ड ब्रेक हो गया, यह हो गया आकार अलग, अब ये दोनों क्या हुआ, तीनों कंपाउंड बन गए, ये तीनों तो क्या बना आपका वाई प्लस, यहाँ एक ये काम कर देखिए यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन एक साथ चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई क्या है बिना पानी के बिना वाटर के यूज के एक स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद आइसोमेरेज, आइसोमेरेज का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे एंजाइम जो किसी भी मॉलिक्यूल में उसके एटम को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ द क्या लिखा है इसमें री अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में उसके आइटम को रीअरेंज कर देना, हालांकि मॉलिक्यूल वही रहेगा बस उसके आइटम को रीअरेंज किया जा रहा है, आइसोमर उसका बन रहा है, आइसोमर है ना, तो उसे बोलते हैं आइसोमेराइज एंजाइम, ऐसे ऐसे एंजाइम जो आइसोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट करें उसे हम आइसोमेराइज एंजाइम कहेंगे। जो आइटम जो होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो आइटम होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है। इसके बाद आप बात करते हैं लोग लाइगेज का मतलब होता है जॉइनिंग एंजाइम, ऐसे एंजाइम दोनों को जोड़ दोनों को अटैच कर देते हैं उसे लाइगेज एंजाइम कहते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे दिस एंजाइम कैटलाइज कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कैटलाइज कोवेलेंट बॉन्ड इसको क्या करता है कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन एंड सल्फर कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस और ऑक्सीजन एक्सेट्रा इनके बीच जो है जो कोवेलेंट बॉन्ड है उन्हें कैटलाइज करता है बिटवीन टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल मोस्टली इन्वॉल्विंग यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर एटीपी हाइड्रोलिसिस इसमें जो एनर्जी खर्च होता है वह एटीपी क्या होता है हाइड्रोलिसिस होता है एटीपी का हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एटीपी का क्या होता है ब्रेकडाउन होता है इससे क्या होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल क्या होता है जो होता है वो बॉन्ड को ब्रेक करने में करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि जो क्लासिफिकेशन है वो सिक्स है क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर क्लास फाइव क्लास सिक्स है ना। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कोफैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से कोफैक्टर्स आपने देखा इसमें होता है वह को फैक्टर के साथ काम करता है
जब कोफैक्टर्स और एकोएंजाइम दोनों मिल जाते हैं तो होलो एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? होलो एंजाइम बन जाता है। जैसे आप क्लास 12 में पढ़ेंगे अल्फा 2 बीटा बीटा डैश और सिग्मा, यहां पे अल्फा 2 बीटा का डैश होता है वह क्या है? एकोएंजाइम प्रोटीन पार्ट है और सिग्मा क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है जो क्या है? का कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर और एकोएंजाइम दोनों मिलेंगे तो होलो एंजाइम कहलाता है। कोई भी एंजाइम्स कोफैक्टर के साथ मिलकर के अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि जो कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट है वो एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इसमें तीन तरह के जो है आपके कोफैक्टर्स हैं। पहला है आपका प्रोस्टेटिक ग्रुप, पहला है प्रोस्टेटिक ग्रुप्स, दूसरा है कोएंजाइम्स, तीसरा है मेटाबोलाइट्स। ये तीन होते हैं। प्रोस्टेटिक ग्रुप आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर टाइटली बाउंड टू द एकोएंजाइम टू मेक इट कैटालिटिकली एक्टिव। जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है बेटा, यह प्रोस्टेटिक ग्रुप एकोएंजाइम से जुड़कर के इसको एक्टिव कर देता है ताकि ऐसा जो काम है वह परफेक्टली हो और कोई भी यूरेट अप्लिकेशन का हो वो स्टार्ट हो जाए। इसमें लिखा है कि हीम इज द प्रोस्टेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम पेरोक्सिडेज एंड कैटालाइज एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। कैटालाइज ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन ऑक्साइड इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन। कह रहा है इसमें जो कैटालाइज जो एंजाइम होंगे वह हाइड्रोजन ऑक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देंगे। तो हीम क्या है? एक तरह का प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है किसी भी एंजाइम का, है ना। एंजाइम जो पेरोक्सिडेजेस हैं, जो कैटालाइजेस हैं, पेरोक्सिडेजेस कैटालाइजेस जो एंजाइम है उसमें हीम जो है क्या है? एक तरह का प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है जो इनसे जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद हाइड्रोजन ऑक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। दूसरा है कोएंजाइम। कोएंजाइम आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट आर बाउंड टू कोएंजाइम ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। ये हमेशा जो है एंजाइम्स अटैच नहीं जाते हैं, जब इन्हें रिएक्शन करना होता है, जब इन्हें काम करना होता है तो कोएंजाइम जुड़ करके उसके वर्क को प्रभावित कराते हैं। इसका देखेंगे आप, इसमें एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एडीपी। यानी कि बहुत सारे ऐसे कोएंजाइम्स हैं जो एज अ विटामिन काम करते हैं। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। मैक्सिमम कोएंजाइम के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो विटामिन होते हैं। मैंने कहा एनएडी और एनएडीपी। क्या कहा मैंने? एनएडी का और एनएडीपी का। एनएडी का मतलब होता है निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब हो गया निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अगर यह जोड़ लेंगे तो यह हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका बेटा क्या है? मेटल आयन। ये क्या होता है? मेटल आयन क्या होते हैं? मेनी एंजाइम्स रिक्वायर देयर एक्टिविटी सर्टेन मेटल्स आयन। बहुत सारे एंजाइम्स को मेटल आयन की जरूरत पड़ती है उनकी एक्टिविटी को इनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। विच फॉर द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद साइड चेन एज टू साइड्स एज वेल एज वन आर मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। या सबस्ट्रेट के साथ एक या एक से अधिक बॉन्ड बना करके साइड चेन बना करके उनके रिएक्शन बढ़ाने के लिए होता है। जिंक क्या है? एक तरह को फैक्टर है इसका कार्बोनिक एनहाइड्रेज का और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो जिंक है वो क्या बेटा? को फैक्टर है। यानी कार्बोक्सी एनहाइड्रेज पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के साथ जिंक मेटल आयन जुड़ जाता है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। देखिए यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है क्या करता है? सी
CO2 वाटर के साथ काम करता है और H2CO3 का फॉर्मेशन करता है। अगर इसमें मिथेन आयन नहीं लगाया जाए तब यह रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, लगभग एक घंटे में जो है क्या होता है 200 मॉलिक्यूल निकल पाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें मिथेन आयन लगा देंगे तो एक सेकंड में जो है क्या होंगे लाखों क्या होंगे फॉस्फेट क्या हो जाएंगे बन जाएंगे। तो एंजाइम की हेल्प से क्या होता है मेटल एंजाइम और मेटल आयन जब मिलकर काम करते हैं जो कोई रिएक्शन क्या होता है बहुत फास्ट होता है ना। तो आपने इसमें पढ़ा कि प्रोसेस एंजाइम एंड कोफैक्टर, बस इसमें इतना ही, दैट्स ऑल अबाउट इट।